कभी आपने सुना है कि फिल्म का विलन हीरो को पीट रहा हो और थिएटर में दे ताली बज रही हो? ये भारतीय सिनेमा के इतिहास में सिर्फ एक बार हुआ है, क्योंकि वो ट्रिपल ए यानी एक्टिंग एटीट्यूड और अंदाज का बेताज बादशाह है। और तभी जब वो विलन काली चरण में हीरो बनकर आया तो फिल्मों के बड़े बड़े तुर्रम खान इनके चरण में गिर पड़े। पर्सनल लाइफ में इतने बेबाक और पर्दे की लाइफ में इतने बंदूक की तरह बोलने वाले कि लोगों ने इनका नाम ही रख दिया शॉटगन सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा। और इनके साथ पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसी हस्ती जो शॉटगन सिन्हा को कह सकती है खामोश। एक समय की ब्यूटी पैजेंट विनर और आज भी उतनी ही खूबसूरत श्रीमती पूनम सिन्हा। आज की रात है जिंदगी, कल हम कहां तुम कहां। मैं तो फैन हूँ, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, मैं सबको जानती हूँ। ऐसे लगता है कि सबको पहचानती हूँ मैं, क्योंकि सैटरडे संडे नोबडी कैन डिस्टर्ब मी। मैं बस बैठ जाती हूँ इंडियन आइडल ऑन करके। आज जो मैं साड़ी पहन के आई हूँ वो आपके दीदी की दी हुई साड़ी है, लता दीदी की। जब मैं साड़ियाँ देख रही थी तो मैंने कहा इससे अच्छी साड़ी आप लोग को आशीर्वाद देने के लिए और कोई नहीं हो सकती। तो मैं आप लोगों के लिए खास ये साड़ी पहन के आई हूँ और लता दीदी का मैसेज भी लाई हूँ कि उन्होंने आप सबको आशीर्वाद दिया है एंड शी विशेस द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस आग से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। खामोश। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। वाह। जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ। तालियां। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। प्लीज फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।